हेलो स्टूडेंट्स, माँ शारदा कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहाँ आप पाते हैं नवोदय विद्यालय से संबंधित ए टू जेड सभी जानकारी बिल्कुल सही और बिल्कुल सही समय पर। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सौमित उपाध्याय आपके साथ, और मैं आज आपको बताऊँगा कि नवोदय विद्यालय में किस प्रोसेस के द्वारा क्या प्रोसेस है कि हम उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो जन देखिए, जो नवोदय विद्यालय है, हर कोई बच्चा अपने वहाँ जाने की इच्छा रखता है, क्योंकि एक प्रकार से नवोदय विद्यालय के लिए आप अपना ओपिनियन ये भी मान सकते हैं, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय है वो सबसे सस्ती एजुकेशन और बेटर एजुकेशन देने के लिए जो भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी संस्था है जो आपको 6 से लेकर 12th तक जो आपको सस्ती और सबसे बढ़िया एजुकेशन आपको दे सकता है। तो इसलिए लाजमी है कि आप सभी का जो मन है वो नवोदय विद्यालय में जाने के लिए करता होगा। स्टूडेंट्स, मैं भी नवोदय विद्यालय बुलंदशहर यूपी से हूँ, और मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम नवोदय विद्यालय के लिए हम डायरेक्ट बिना बिना एंट्रेंस के किस तरीके से हम एडमिशन पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ, जो 6th क्लास में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो हमारा कोचिंग है वो अब से, क्योंकि 6 अप्रैल को उनका पेपर है, तो उनके लिए डायरेक्ट उनके लिए मतलब कि 20 सैंपल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे हम यहीं यूट्यूब पर, जिसमें और 1000 जिसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर करने का हमारा टारगेट रहेगा। और उसमें हर तरीके के सवाल, किस तरीके के सवाल आते हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इस चीज़ पे दूंगा कि किस सब्जेक्ट को आप, किस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करें कि आपका नवोदय विद्यालय में जो सिलेक्शन है वो सबसे जल्दी आपका सिलेक्शन हो। और जो लोग नेक्स्ट अपकमिंग के लिए अब जो 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अब 7th क्लास में हैं फिलहाल, तो वो भी हमारी इन वीडियोस को देखकर आप बहुत मदद ले सकते हैं। और आपको यदि नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हम हर अपडेट आपको बिल्कुल सही समय पर आपको पहुँचाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको आपको अपने टॉपिक पर लेके चलता हूँ। तो आपने 6th क्लास में देखा होगा कि भाई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें हमारे 80 सीटें होती हैं, और 80 सीटों पर सिलेक्शन जो है वो नवोदय विद्यालय के द्वारा कराया जाता है। और उस दौरान जो 80 सीटों पे जो बच्चा काफ़ी हद तक टैलेंटेड है और जिसकी पकड़ काफ़ी हद तक मैथ्स पे है, तो वो उन 80 सीटों में अपना मतलब कि अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर लेता है। तो 6th क्लास में सीधी सी बात है, एंट्रेंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंट्रेंस के अलावा आपको कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो 9th क्लास का है, भाई देखो, 6th क्लास में जो बच्चे, ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जा पाते हैं या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो वो जो 6th क्लास से और 8th क्लास तक जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय 9th क्लास में दोबारा एक लेटरल एंट्री एग्ज़ाम कराता है, जिसके पीछे हमने काफ़ी वीडियो भी दी हैं आपको सिलेबस वगैरह की आपके, और भी इस साल, क्योंकि इस साल हमारा कोचिंग इस 9th क्लास के प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट टाइम आया था, तो इसलिए वीडियो हम कम देख पाए, तो आपको इस साल और अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। 6th क्लास के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वेल, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो वो जो 6th क्लास के बाद जो 9th क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, वहाँ भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए चॉइस बच जाती है कि भाई हम किस तरीके से नवोदय विद्यालय में हम बिना एंट्रेंस के हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो जाना है वो आपको 11th क्लास आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि 11th क्लास में भी, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता है कि 11th क्लास में भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया जा सकता है। और उस दौरान जो सबसे जो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नंबर आने की हमारे चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 11th क्लास के बारे में हर कोई जानता है कि 6th और 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके थ्रू आप नवोदय में जा सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस समय वो उसके उसके फॉर्म निकलते हैं, कैसे हम उसको भर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, तो इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय में जब ये जो 9th क्लास के बाद जो 10th क्लास में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे उसको स्कूल छोड़ जाते हैं, क्यों कोई कहीं IIT वगैरह की तैयारी करने के लिए चला जाता है, तो उस दौरान जो 11th क्लास है उसकी लिए जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं।
साइंस स्ट्रीम में भी रह जाती हैं, आर्ट स्ट्रीम में भी रह जाती हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम में भी वो सीटें खाली रह जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन सीटों को भरने के लिए नवोदय विद्यालय एक फॉर्म को रिलीज करता है जो कि अप्रैल और मई के मंथ्स में उसको रिलीज किया जाता है। अब तो हालांकि ऑनलाइन सारे फॉर्म कर दिए गए हैं नवोदय विद्यालय द्वारा, तो उसको फॉर्म को आपको भरकर, या तो नेट से आप डाउनलोड करके आपको उसको भरकर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका वो नवोदय विद्यालय है उसमें आपको जमा कराना होता है। आप उसको जमा कराने के बाद आप लोग उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हो कि आपने अप्लाई किया है कि भाई अब हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो विषय आता है वो ये आता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम एलिजिबिलिटी कर सकते हैं, कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होंगी कि हम उसके लिए 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 11th क्लास में एडमिशन में आपने जो पिछली जो 10th क्लास की है, जो आपने पिछली 10th क्लास पढ़ी है, उसके मेरिट के उसमें आपके कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, उसको किसी भी स्टेट से हो आप, किसी भी मतलब बोर्ड से हो आप, चाहे CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट और रिकॉग्नाइज्ड किसी भी बोर्ड से आपका होना चाहिए। तो आप नवोदय के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको वो जो 10th क्लास का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तरह की तैयार करी जाती है। इसमें आपको जो सबसे बड़ा जो एक अंतर होता है, इसमें आपको थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें जो सीटें होती हैं, क्योंकि सभी JNVs में बहुत बहुत कम होती हैं, 1-2 1-2 इस तरीके से सीटें खाली रहती हैं, तो इसलिए इसका जो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाती है पूरे स्टेट, जैसे एक स्टेट के उन सभी स्टूडेंट्स को जिन जिन्होंने अप्लाई करा है उनके बीच एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। हालांकि आप ये इसमें GS श्योर नहीं हो सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने उस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरा है तो मेरा उसी में ही नंबर आएगा, नहीं। आपको यूपी, जैसे आपने यूपी के लिए भरा है तो यूपी में जो 73 जिले, आप उसको में से किसी भी जिले में आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जिसमें जिस जिले से आपने भरा है जरूरी नहीं है उस जिले में आपके लिए वो सीट खाली हो, क्योंकि आपने अप्लाई करा है कि मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए और साइंस स्ट्रीम बाई चांस उसमें नहीं है तो आपको वहां वो नहीं मिलेगी। और ये भी है कि आप स्ट्रीम साइंस लेना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको साइंस स्ट्रीम ही मिल जाएगी, ये आपके ऊपर चॉइस रहती है कि आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, उसमें आप अपना स्टेप बैक कर सकते हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है एक स्टेट की तैयार करी जाती है, और उस जो जो इसका रिजल्ट होता है जब भी आपको मई में ही आपको जून में आपको दे दिया जाता है और आप 11th क्लास में अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बेस्ट वे है। आपको यदि बिना एंट्रेंस के जाना है तो आप जो 10th क्लास में है आप अपना पूरा दम लगा दीजिए, और 10th क्लास में पूरा दम लगा के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इसमें मेन बात यही है कि आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपको केवल एक ही काम करना है कि आपको 10th क्लास के लिए पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और मैं इस पर भी आपको दूंगा कि आपको 11th क्लास में 10th क्लास में कितने आपके मार्क्स होने चाहिए जो आपको उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक एक बात और मैं इसमें आपको पता बता दूं कि इसमें जो कुछ बच्चे क्या होते हैं 11th बाई चांस 10th में फेलियर होते हैं, या फिर वो 11th को मतलब कि गैप मतलब कि एक साल गैप करके फिर 11th में एडमिशन लेते हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई करने से थोड़ा बचें, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब आपको उसका क्लेम देना पड़ता है और आप क्लेम देने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए आप 10th में हैं, आप 11th में डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आप वेट मत कीजिए कि मैं जब एक साल और गैप करके फिर मैं करूँ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो जेंट्स, आप हमारे जानकारी से कितने संतुष्ट हुए, तो इसको हमारी लाइक से आप लाइक करके हमको इसका फीडबैक दे सकते हैं, और आगे भी हम आपके लिए इस तरीके की जानकारी लेके आते रहेंगे नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमारे लिए हमारा साथ दीजिए, हमें और वीडियो बनाने के लिए मनोबल दीजिए। थैंक यू वेरी मच।